के जो है ना हम देखने जा रहे हैं आज, ठीक है। लास्ट हमने ये रीयूजेबल कंपोनेंट को कंप्लीट कर लिया था, प्रॉप्स उसके सारे देख लिए थे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रॉप्स वाले में? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है ना जो प्रॉप्स में या डायनेमिक कंपोनेंट में, तो वो पूछ सकता है अभी। अच्छा, तो जी इन्होंने लिखा है कि नो लॉन्गर सेटिस्फाई विथ सेइंग हेलो वर्ल्ड, वी आर लॉन्चिंग एक्साइटिंग न्यू अनचार्टेड वाटर्स, टर्निंग लाइट ऑन ऑफ का एक प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि अब हम बनाने जा रहे हैं। आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड एनी वे, कह रहे कि भाई मैं भी एक्साइटिंग हूँ, आप भी हो सकता है कि हो गए एक्साइटेड। अच्छा, अब ये बता रहा है कि अभी तक क्या कुछ कर लिया है, और अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके ना उसमें स्टेट समझाना चाह रहा है। अच्छा, तो हमारे एक बड़े अच्छे टीचर हैं नौशाद आरजू साहब, उनसे मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी थी आज से 10 साल पहले। तो वो जिक्र करते थे कि किसी भी चीज़ का जो मतलब होता है ना, वो उसके नाम में छुपा हुआ होता है। तो स्टेट अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा? हालत, हाँ जी, और लोग सही कह रहे हैं। रियासत को भी कहते हैं स्टेट जी। और किसी का कोई ओपिनियन? अच्छा, स्टेट जो है ना रियासत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हालत वाली बात हो रही है। लेकिन स्टेट हालत के अलावा भी वर्ड होते हैं इसके, स्टेट के लिए। एक तो होता है ना सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, लेकिन हालत के लिए और भी वर्ड्स होते हैं। लेकिन स्टेट जिस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है ना, जिस हालत के लिए, वो कौन सी हालत होती है? जो चेंज होने वाली हालत होती है, ठीक है। अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद चेंज हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, चेंज होता है। तो ये उस वाले स्टेट की बात हो रही है जो चेंज हो जाता है। तो जैसे स्टेट लाइफ जो इन्होंने नाम रखा है ना इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो भी इसीलिए स्टेट के वही वाला नाम रखा है कि लाइफ का जो स्टेट होता है आपका, हालत होती है, जाहिर है जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो उस चीज़ को रिलेट करते हुए उन्होंने ये नाम रखा है स्टेट लाइफ शायद। तो यहाँ पर जो स्टेट बात हो रही है ना, वो बात हो रही है वेरिएबल की, जो हमने एक्सप्रेस के अंदर भी पढ़ा था कि स्टेट लेस होता है सर्वर हमारा, यानी वेरिएबल हम लोकल वेरिएबल सर्वर में नहीं बनाते। REST API के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल ये था कि हम सर्वर में वेरिएबल नहीं बनाते लोकल। तो ये उस स्टेट की बात हो रही है, ये असल में वेरिएबल की बात हो रही है। तो अब जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर हम प्रॉप के ज़रिए हमने तो डेटा पास कर दिया, लेकिन उसमें अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये अब उसकी बात हो रही है कि जी अब हमारा जो कंपोनेंट होगा ना वो क्या होगा, स्टेटफुल कंपोनेंट होगा। अब जो हम कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई स्टेट होगा उस कंपोनेंट का। अच्छा, चलते हैं जी आगे। अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे उन्होंने कहा यार एक नया प्रोजेक्ट आप बनाओ इधर ही सैंड बॉक्स पे ना, कोड सैंड बॉक्स पे। अच्छा, हमें कोड सैंड बॉक्स पे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने पास ना यहाँ पे ये बनाया हुआ है। आ जाते हैं आपके B3, ठीक है जी। हमने ये ना एक बना लिया था हेलो करके, और उसी हेलो की एक कॉपी बना के हमने ये प्रॉप्स को भी स्टडी कर लिया था, सही है। प्रॉप्स हमारा ये कंप्लीट हो गया था। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है मैं इसकी अब कॉपी नहीं बनाऊंगा बल्कि एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, या बल्कि चलो अभी इसकी भी कॉपी बना देते हैं फ़िलहाल के लिए। असल में मैं न्यू प्रोजेक्ट इसलिए बनाना चाह रहा था कि जो हमारा index.js है ना उसमें वो कुछ जो नए वाले ना उसमें चेंज होता है थोड़ा सा, सही है। जो हमने ये लिखा है ना react.render, ये थोड़ा सा इसका तरीका चेंज हो गया, तो चलो नया बना लेते हैं। अब नया बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस react के फोल्डर में आऊँगा अगेन। अभी तो मैं props में हूँ, cd.dot.dot करके मैं react में आ गया, और मैंने कहा कि npx create react-app और state, सही है, stateful, बस स्टेट कर दे, स्टेटफुल कर देते हैं, चलो
सूडो नहीं लगाया मैंने इसके साथ, तो परमिशन नहीं मिली इसको। ठीक है जी, चलो वो जब तक बन रहा है हम ज़रा वापस आ जाते हैं आर्टिकल में। तो इसने कहा यार एक नया प्रोजेक्ट ना वहीं बना लो कोड सैंडबॉक्स में, और हमने क्या कर लिया अपनी मशीन में एक नया प्रोजेक्ट बना लिया उसकी जगह। अच्छा, मेक द कंपोनेंट स्टेटफुल, आई डोंट नो इफ यू नो दिस अबाउट लाइट स्विचेस, बट दे कैन बी वन ऑफ टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ। लाइट स्विच का जो स्टेट है वो कह रहा है कि एक वक्त में क्या हो सकता है, सिर्फ ऑन या ऑफ हो सकता है। सब लोग एग्री करते हैं इससे, ऑन ऑफ के अलावा भी कोई स्टेट होता है? आमतौर पर जो घरों में हमारे स्विच लगा हुआ होता है इसमें दो ही स्टेट होती हैं, लेकिन स्विच जो लाइट बल्ब का होता है वो असल में दो से ज़्यादा स्टेट का भी होता है, थ्री वे स्विच, फोर वे स्विच भी होता है। ठीक है, वन वे स्विच, टू वे स्विच, थ्री और फोर वे स्विच तक हो सकता है। ये जो इसको कहते हैं वन वे स्विच, इलेक्ट्रिकल की ज़ुबान में ना इस वाले स्विच को कहते हैं वन वे, कि ये एक वक्त में एक जगह हो सकता है। एक स्विच होता है वो बीच में रुकता है, एक जगह ऑन होता है, फिर बीच में एक रुकता है, फिर ऑफ होता है। जैसे आप समझ लो कि जो आपका मोटरसाइकिल में हेडलाइट को ऑन करने का जो बटन होता है, पहले उसमें डिम आता है फिर ऑन आता है, सही है? तो वन वे स्विच के अलावा टू वे थ्री वे भी होते हैं, लेकिन अभी घर वाले स्विच हमारे यहाँ ज़्यादातर वन वे ही होते हैं, उसमें टू वे नहीं। हाँ, अब जनरेटर वाले होते हैं स्विच, उसमें वो दो तीन होता है उसके अंदर, है ना, कि वो उसमें जस्ट ऑन ऑफ नहीं होता, वन टू थ्री ज़ीरो, वन टू थ्री ऐसे करके होता है, तो उसको घुमाते हो आप तो वो थ्री वे फोर वे हो जाता है। अच्छा, कन्वीनियंटली रिएक्ट हैज़ फीचर कॉल्ड स्टेट विच अलाउ कंपोनेंट्स टू कीप ट्रैक ऑफ वैल्यूज दैट कैन चेंज। अब यहाँ पे जो इसने लिखा है ना, ये बड़ी इसने इम्पॉर्टेंट बात की है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपने इसको याद रखना है कि स्टेट के नाम से एक चीज़ मौजूद है रिएक्ट में जो हमें अलाउ करती है कि ना कंपोनेंट के अंदर जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उसको हम कीप ट्रैक रखें, ठीक है, और कौन सी वैल्यूज़ दैट कैन चेंज। तो स्टेट के अंदर हम सिर्फ वो वैल्यू स्टोर कराएंगे जो चेंज होने वाली वैल्यूज़ होंगी, सही है? जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसको हम स्टेट में स्टोर नहीं करवाएंगे मोस्टली। अ परफेक्ट प्लेस टू स्टोर स्टेट ऑफ आवर लाइट। अब कह रहा है कि हमने एक छोटा सा स्टेट बनाते हैं, इसमें हमारी लाइट का स्टेट हम सेव कराते हैं, कभी ऑन या कभी ऑफ। अच्छा जी, अब ये कुछ इन्होंने कोड बता दिया, अब देखते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया कि नहीं हो गया। यार ये अभी तक नहीं हुआ था यार, क्या सीन है, अटक गया क्या, ये इंटरनेट नहीं मिल रहा है क्या इसको? छोड़ो, कैंसिल करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसको मैं यहाँ से करूँगा, आर एम, सूडो आर एम। अच्छा, आर एम से फाइल डिलीट होती है, डायरेक्टरी किससे होती है? चलो छोड़ो, फोल्डर से कर देते हैं जाके। आके मैं इसी का कॉपी बनाता हूँ फिलहाल के लिए, सही है, इसी की कॉपी बना के इसका नाम रख देता हूँ मैं स्टेटफुल कंपोनेंट। स्टेटफुल कंपोनेंट मैंने इसका नाम रख दिया, और src में आया और अपने index.js की फाइल में आया। अब मेरे index.js की फाइल में इस वक्त क्या मौजूद है, एक कंपोनेंट मौजूद है हाई के नाम से और एक कंपोनेंट मौजूद है पोस्ट के नाम से। अच्छा, मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, जस्ट टू कीप माई प्रोजेक्ट सिंपल, ठीक है। और इन दोनों को रिमूव करने के बाद
ये रेंडर को भी मैं हटा देता हूँ, सही है, एक नया बना लेता हूँ मैं, सही है, एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट और होम, मिसाल के तौर पे मैंने नाम रख दिया इसका, सही है, और रिटर्न लास्ट में मैंने कह दिया कि डिव, लाइट इज ऑन, ये लिख दिया मैंने, और होम को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रेंडर करा दिया, सही है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को जब मैं रन करूँगा तो क्या होगा, ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे कि लाइट इज ऑन, CD 3, ठीक है, NPM स्टार्ट, ठीक है जी, लाइट इज़ ऑन, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया। और मैं हमेशा इंस्पेक्ट को खोल के रखूँगा ताकि मेरे पास किसी भी किस्म का कोई एरर आए। हमेशा आप लोगों को मैंने देखा है कि सम टाइम आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, आपका ये खुला हुआ नहीं होता कॉन्सोल, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम कोशिश करें कॉन्सोल आप खोल के रखें, ठीक है, भले इसको आप छोटा कर दें लेकिन आपके पास खुला हुआ हो ताकि फ़ौरन दिख जाए एरर। अच्छा, अब कह रहा है कि यार आप क्या करोगे, एक अदद बनाओगे आप वेरिएबल, कैसे बनाओगे वेरिएबल, ऐसे बनाओगे आप, सही है। अच्छा, ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये वेरिएबल इस तरह का जब आप बनाएंगे तो आपको वो रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर बनाना होगा, अगर मैं कंपोनेंट से बाहर इसको बनाऊंगा ना ये एरर देगा, ठीक है, बाहर बना के देखते हैं इसको हम। अच्छा, तो ये जो रिएक्ट के ऊपर लाइब्रेरी मैंने इम्पोर्ट की हुई थी ना, इसी लाइब्रेरी के ऊपर ही मैंने रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट लगाया और ट्रू कर दिया इसको। अच्छा, अगर इसको मैं आपको समझाऊँ कि ये सादा वेरिएबल अगर बनाता मैं तो वो ऐसे बनाता मैं, कॉन्स्ट, ठीक है, इज लिट इक्वल्स टू, हाँ नहीं वो एरर तो देगा, लेकिन ये वेरिएबल जो है ना, ये वाला मैंने यही वेरिएबल ये नीचे बनाया, ठीक है, क्या है ये भला, कॉन्स्ट इज लिट, और उसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू मैंने ट्रू सेट करवाई है, यानी कि जो मैं इसको मैं जब अगली लाइन में गेट करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे ट्रू मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो मिलेगी या ट्रू या नहीं मिलेगी वो अभी ये थोड़ी देर में हम समझते हैं। अब एक नोट करें चीज़ आप, ये स्टेट का वेरिएबल हमने बनाना तो सीख लिया, ये जी स्टेट का वेरिएबल इस तरह बन जाएगा। अच्छा, बल्कि इसको मैं ट्रू नहीं कुछ और देता हूँ वैल्यू, मैंने कहा कि यार मलिक, मैंने इसको ये वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए क्या करूँगा मैं, कर्ली ब्रेसेस और इसका नाम वेरिएबल का, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ देखते हैं डिस्प्ले होता है कि नहीं होता, ठीक है जी, डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऐसे करके भी करता ना तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के अंदर ये इस तरह का सादा वेरिएबल बनाना फॉरबिडन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आओ ज़रा इसको हम यहाँ पे ये भी कर देते हैं, सही है, यहाँ पे मैंने नेम को भी, इस नेम को ज़रा मैं ओपन कर दूँ, ठीक है, इस नेम को भी मैंने प्रिंट करवा दिया, तो ये भी होपफुली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मलिक भी लिखा हुआ आ गया, साथ में जॉन भी लिखा हुआ आ गया। तो अब करना ये है हमें कि अब आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में डिफरेंस होगा क्या, अल्टीमेटली वेरिएबल तो दोनों हैं, और दोनों वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, इस वक्त क्रिएट कर दिया है, और दोनों वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू डाल दिए। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है कि मुझे क्या करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ये एक सिंपल प्लेन HTML जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, सेकेंड वाला जो है वो किस किस्म का वेरिएबल है, रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल वैसे इसको बोलते हैं नहीं, इसको स्टेट ही बोलते हैं, जस्ट मैं समझाने के लिए स्टेट और वेरिएबल को ना ज़रा रिलेट करने के लिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ये स्टेट वेरिएबल है, हालांकि इसका नाम सिर्फ स्टेट है, वेरिएबल नाम नहीं है इसका, ठीक है। और नाम चेंज कर रखने का वजह रीज़न ये है कि बिहेवियर थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसलिए नाम भी फ़र्क है। तो ये स्टेट वेरिएबल हमारा हो गया। अच्छा, अगर मैं अपने नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता, सही है, तो मैं क्या करता, नेम इक्वल्स टू और कोई भी और नाम डाल देता। मैंने कहा कि भाई स्मिथ,
सही है, जॉन हटा के मैंने स्मिथ कर दिया इसमें, तो ये स्मिथ हो जाएगा होपफुली। हाँ कांस्टेंट है तो नहीं होगा। यस सही है, इसको मुझे लेट करना पड़ेगा, नॉर्मल वेरिएबल में ऐसे चेंज नहीं होता। अच्छा इसमें चेंज हो जाएगा ऑन अदर एंड, ठीक है इसमें चेंज हो जाएगा ऑन अदर एंड। इसको अगर मुझे चेंज करानी होगी वैल्यू को तो मैं क्या करूँगा, इज लिट एक तो मुझे मिला हुआ है, ये रीड ऑनली है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ इज लिट करके इक्वल्स टू, मैं इसको कोई भी वैल्यू देता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। सही है, कांस्टेंट होने की वजह से नहीं, अगर ये लेट होता जब भी चेंज नहीं होता, लेट करके भी बना सकते हैं आप इसको, लेकिन लेट होता जब भी जो है वो इज लिट इक्वल्स टू करके ये चेंज नहीं होगा। सही है, इज लिट इक्वल टू करके चेंज ये नहीं होगा। ये कैसे चेंज होगा, ये होगा सेट लिट करके, ठीक है ऐसे सेट लिट लिखेंगे आप, और उसके आगे इक्वल लगा के नहीं लिखेंगे आप, बल्कि क्या करेंगे ऐसे गोल ब्रैकेट लगाएंगे आप। इज लिट क्या है, एक अदद फंक्शन है। सही है, हाँ सेटलिट, सेटलिट जो एक अदद फंक्शन है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है इंजमाम। तो ये इस तरह से चेंज होगा ये। तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, स्टेट वेरिएबल को बनाना सीख लिया और स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कराना सीख लिया। सही है, अच्छा अब आके देखते हैं कि जी दोनों जो है ना स्क्रीन पर चेंज हुआ हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको क्या हो गया। एरर पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है एरर में, कह रहा है कि टू मैनी री रेंडर्स, लिमिट रेंडर प्रिवेंट, क्यों भाई टू मैनी री रेंडर क्यों। हाँ वो असल में मैंने खुलने में लगा दिया ना उसको, इसलिए एरर दे रहा है ये। अच्छा हाँ नहीं, इसको मैं इसको अच्छा अभी ये समझाता हूँ ये हुआ क्या है, ये समझाता हूँ मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, अभी समझाऊँगा तो समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या है। मुझे असल में बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर मुझे एक अदद बटन बनाना पड़ेगा जिसके क्लिक पे मैं ये काम कराऊंगा, अदरवाइज़ वो क्या हो रहा है वो ज़्यादा दफ़ा चल जा रहा है। ठीक है ये मैंने बटन बना दिया एक अदद, इसको मैं एक पैराग्राफ में कर देता हूँ ऊपर वाले को। अच्छा और इसको मैं बोल देता हूँ कि यार चेंज इसका बटन का नाम रख देता हूँ और ऑन क्लिक इस पर लगाता हूँ। अच्छा ये ऑन क्लिक क्या चीज़ है, इवेंट लिसनर तो है क्या, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नहीं है ये प्रॉप है। सही है और मैंने कह दिया कि यार चेंज वैल करके जो है ना, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सही है सही है। अच्छा वेल अभी टू कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है अब मुझे यार एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। सही है फंक्शन मुझे एक बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर कॉन्स्ट चेंज वेल, सही है ऐसे कर दिया। अच्छा ये ऑन क्लिक जो है ये प्रॉप है, सब लोगों को इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पर। अच्छा और ये बटन जो है ये क्या चीज़ है, जे एस एक्स तो है लेकिन ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है ये कंपोनेंट है ये। सही है ये कंपोनेंट किसने बनाया, ये रिएक्ट वालों ने बना के रखा हुआ है पहले से, कोई भी चीज़ इसमें एचटीएमएल नहीं है। सही है ये जो डिव है ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स कहते हैं, जो रिएक्ट की लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं। ठीक है और अब इस कंपोनेंट को कैसे उन्होंने बनाया वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, हम इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके अपना कंपोनेंट तैयार करते हैं। तो ये डिव जो है वो क्या है, कंपोनेंट है, और डिव के अंदर यहाँ पे जो आईडी लगा रहा हूँ ना मैं, ये जो आईडी मैंने लगाया 23 लगा दी मैंने आईडी, ये आईडी प्रॉप है, ये एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है और उसका, क्योंकि अगर ये एट्रीब्यूट होता ना तो उसको मैं ऐसे करके नहीं पास कर सकता था, एचटीएमएल में क्या ऐसे करके 23 पास करना अलाउ होता है, नहीं होता। इसमें अलाउ है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट है,
बिल्ट इन कंपोनेंट जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि कुछ प्रॉप्स के नाम भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि क्लास नेम लगाना पड़ता है मुझे, HTML में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हाँ, ये सारे कैमल केस में रखे हैं इन्होंने, प्रॉप तो सारे स्मॉल केस में होते हैं सारे, इन्होंने इसको चेंज किया हुआ है सारा का सारा ना। और प्लस मिसाल एक समझा रहा हूँ मैं कि जैसे डिव है ना, अब डिव पे जितने एट्रीब्यूट लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम एट्रीब्यूट का रिप्लेसमेंट मौजूद हो प्रॉप्स के ज़रिए। जैसे ID में तो मौजूद है कि जैसे ID एट्रीब्यूट लगती थी, वैसे ही ID जो है वो प्रॉप में भी लग रही है इसमें, तो ये तो सेम हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लास में भी चलो क्लास नेम करके उन्होंने सेम एक फीचर आपको दिया हुआ है कि जी क्लास आप पास कर सकते हो ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जो डिव पे होते थे HTML में वो इसमें प्रॉप्स के ज़रिए अवेलेबल हो। यानी जब मैं डिव की बात कर रहा हूँ तो मैं तमाम कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, सही है। कोई हो सकता है एक आध नहीं भी हो इसमें, कोई एक आध इसमें नहीं भी हो। अच्छा, फिर प्लस जैसे डिव एक HTML के अंदर एक एलिमेंट हुआ करता था, तो यहाँ रिएक्ट में बिल्ट इन कंपोनेंट भी एक डिव के नाम से मौजूद है, जिस जो रिप्लेसमेंट एक्चुअली सेम चीज़ आपको बना के दे दी। तो HTML में और भी बहुत सारे टैग्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो तमाम HTML एलिमेंट भी इधर मौजूद नहीं होंगे, तमाम HTML एलिमेंट भी इधर मौजूद नहीं होंगे एज अ कंपोनेंट। हो सकता है कोई एक आध कम हो, अच्छा ज़्यादा भी हो सकता है, एक आध कोई ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि HTML की तरह empty टैग कोई चीज़ नहीं होती, इसमें empty टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो HTML में नहीं होते थे, ठीक है, और कुछ इसमें ऐसे भी प्रॉप्स हैं जो HTML में नहीं होते हैं, वो इस कंपोनेंट के अंदर लेकिन होंगे वो, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, HTML से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, सही है। ये कंपोनेंट है रिएक्ट के बिल्ट इन, और ये जो पूरा सिंटैक्स लिख रहे हैं हम JSX है, ठीक है। जो HTML में चीज़ें होती थी उससे ज़्यादा भी हो सकती है इसमें, उससे कम भी हो सकती है। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि डिव के ऊपर कौन कौन से जो है ना प्रॉप्स लगा सकते हैं आप? ये आपको ऐसे पता लगेगा कि रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये डिव का जो कंपोनेंट है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि जी डिव का बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर तो वो लिखा हुआ उन्होंने कि सेम होता है HTML वाला, ठीक है, लेकिन वो लिखा हुआ है एटलीस्ट, और लिखा हुआ है कि इस पर क्या क्या प्रॉप लगा सकते हैं, सही है। तो उसको अगर हम देखना चाहें, ज़रा लगे हाथों उसको हम देख लेते हैं, रिएक्ट बिल्ट इन कंपोनेंट डिव, यार वो किसी को पता है कि वो बिल्ट इन कंपोनेंट की लिस्ट कहाँ पर है? क्या लिखूँगा तो आएगी, मैंने लास्ट भी पता नहीं ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं वो। किसी को पता है कि जो मुझे कंपोनेंट्स पे अगर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा? API रेफरेंस, ग्लोसरी में जाके ज़रा देखता हूँ। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में लिखूं क्या ये तो बताओ। रिएक्ट डॉम कंपोनेंट, हाँ रिएक्ट डॉट डेव, स्लैश रेफरेंस स्लैश रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम मिला के ना, अच्छा ये वाला है कंपोनेंट्स, ओके गॉट इट, सही है ये आ गया। देखो यहाँ पे डिव के बारे में ना अब ये सारी चीज़ें बता रहा है, कॉमन कंपोनेंट, अच्छा कॉमन कंपोनेंट करके इन्होंने ये बनाया है इसको, ये बिल्ट इन कंपोनेंट शायद अब नहीं कह रहे, अब इसको कॉमन कंपोनेंट कह रहे हैं। अच्छा देखो कैसे बताया इन्होंने, बोला भाई डिव करके लिखोगे, और डिव करके ना एक एग्जाम्पल दी कि ऐसे होगा, और प्रॉप्स कौन कौन से प्रॉप्स इसमें अवेलेबल हैं। जैसे चिल्ड्रन करके एक प्रॉप है, HTML में नहीं होता भाई ये, सही है, ये इसके अंदर ही है, ठीक है। अच्छा रेफ करके एक है, स्टाइल करके एक प्रॉप है जो कि HTML से सिमिलर है, अभी स्टाइल करके HTML में भी लग जाता है ना, जिसमें इनलाइन स्टाइलिंग सारी आप दे देते हो, ठीक है। अब ये सारे प्रॉप्स की यहाँ पे देखो लिस्ट बताई हुई है,
कि ये सारे प्रॉप्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर। तो ये सारे प्रॉप्स आ गए आपके। अच्छा, कॉमन कंपोनेंट को इन्होंने इसी में ही ख़त्म कर दिया, डिव डिव पे ही ख़त्म कर दिया, और कोई दूसरी बात नहीं की इस। ठीक है, एच वन वगैरह वो किधर है भाई, वो तो है ही नहीं इसमें। वेल मेरा ख्याल है कि वो डिव में जो है ना उसने सबको वो कर दिया है, जैसे एच वन वगैरह भी एक्चुअली वो बॉक्स ही होते हैं। अब इनपुट में आ जाओ, अब देखो इनपुट के जितने पॉसिबल प्रॉप्स थे ना ये सारे इधर आ गए, ये सारे इधर आ गए। अच्छा नहीं, असल में तो वो टेक्स्ट नहीं पढ़ना आपने, वो तो जस्ट मैं ऐसे ही रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। वो टेक्स्ट टेक्स्ट यू आर नॉट सपोज टू रीड दिस टेक्स्ट ऑन योर प्रोजेक्टर ना, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ऐसे चेक करके लगाया है कि भाई चेक्ड होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वेदर अ रेडियो बटन और सेलेक्ट बॉक्स, क्योंकि इनपुट तो टेक्स इनपुट भी होते हैं, तो कह रहा है चेक्ड जब लगेगा जब रेडियो बटन या सिलेक्शन बॉक्स होगा। तो इस तरह तो वो सारे इनपुट भी उसने एक ही पेज पर निपटा दिए, और कह रहा है कि अब ये नीचे वाले सारे जो है ना वो हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्रेस बार है, सेलेक्ट है और टेक्स्ट एरिया है, ये सबके यहाँ पे देखो प्रॉप्स ना पहले से मेंशन हुए हैं। वेल तो ये जितने भी रिएक्ट के बिल्टन कंपोनेंट्स हैं ना उसके जो प्रॉप्स हैं वो रिएक्ट वालों ने पहले से यहाँ पे बता दिए हैं, डिसाइड कर दिए कि यार ये होते हैं, ठीक है, तो वो समहाउ आपको मिल जाएंगे। अच्छा वेल, तो आप क्या करेंगे, आप इसको HTML की तरह ही ट्रीट करेंगे, जो आपका HTML का एक्सपीरियंस है उसी को आप यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन समहाउ अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, जाके वो डॉक्यूमेंट देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वेल तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम ये कर चुके हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया, एक हमने स्टेट वेरिएबल बनाया, और अब हम इसको चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज कराने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक अदद बटन बना लिया स्क्रीन पे अपने, और उस बटन के क्लिक पे हम एक फंक्शन चलवाते हैं, और ये चेंज वाला काम ना उस फंक्शन के अंदर मुझे करना होगा अभी। सही है, इस फंक्शन के अंदर मैं ये काम करता हूँ। आके ज़रा देखते हैं स्क्रीन पे, इस वक्त कुछ इस तरह का हो चुका है कि जी अभी इस वक्त लिखा हुआ है एक में मलिक, एक में लिखा हुआ है जॉन, ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं, और चेंज का बटन दबाने से क्या होगा, वो चेंज चलना चाहिए। सही है, अच्छा चेंज किया मैंने, एक तो चेंज हुआ, दूसरा चेंज नहीं हुआ। सही है, जॉन जो है वो अपनी जगह ही लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि मैंने जॉन को पहले चेंज किया है और इसको मैंने बाद में चेंज किया है, लेकिन सिर्फ इंजमाम चेंज हुआ और वो जॉन चेंज नहीं हुआ, स्मिथ नहीं हुआ उससे चेंज हो गया। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा कॉन्सोल लगा के देखता हूँ, कॉन्सोल के अंदर मैं ज़रा लगा के देखता हूँ कि यार आया कि हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने नेम को भी कंसोल कराया, और इज लिट तो चलो चेंज हो गया, उसको कंसोल कराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो कंसोल कराऊंगा इसको तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। सही है, अभी सिर्फ नेम को कंसोल कराते हैं कि आया कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको, और मैंने ये देखा कि नेम जो है स्मिथ हो चुका है असल में, कंसोल में मुझे वो स्मिथ हुआ हुआ मिल रहा है। सही है, लेकिन स्क्रीन पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अब इसका क्या चक्कर है, इसका चक्कर ये है कि ये जो नॉर्मल वेरिएबल है ना ये तो बिल्कुल फॉरबिडन तो नहीं है रिएक्ट के अंदर, ये बिल्कुल काम करता है और चेंज भी होता है, सब कुछ होता है जो जो होना चाहिए, लेकिन स्टेट के अंदर हम वो वाली चीज़ें रखते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखानी है, और जब वो चेंज हो तो स्क्रीन पे भी चेंज हो जानी चाहिए। इस तरह की जो इसने शुरू में कहा भी था ना कि वैल्यू दैट चेंज, तो उसको हम स्टेट में रखते हैं। अच्छा तो नॉर्मल वेरिएबल में भी तो वैल्यू चेंज होती है ना, लेकिन ये वो जो कह रहा है ना वैल्यू दैट चेंज, तो उसका मतलब ये है कि जब वो वैल्यू चेंज हो तो स्क्रीन पे भी चेंज करानी है। अच्छा तो वो स्क्रीन पे चेंज होती कैसे, स्क्रीन पे चेंज वो ऐसे होती है कि जब इसका मैं सेट लिट कॉल करता हूँ ना, तो ये वेरिएबल यहाँ से चेंज होने के बाद क्या करता है, इसको स्क्रीन को पूरे को ना ये JSX को दोबारा से रेंडर करता है। JSX को पूरे को ये क्या करता है, दोबारा से रेंडर करता है, और दोबारा से रेंडर करने की वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे नेम की वैल्यू आती है तो वो अपडेटेड फील कराती है, कहती है कि अपडेटेड हूँ मैं। सही है, अच्छा यही वजह है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, और रिफ़्रेश करके इसको मैंने पहली दफ़ा जब क्लिक किया तो क्या हो गया, स्टेट वैल्यू चेंज हुई लेकिन नॉर्मल वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। अच्छा जब मैं इसको अगली दफ़ा क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम क्लिक करूँगा
तो क्या होगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम तो अब ये नेम इसमें तो हो चुका है ना, नेम क्या हो चुका है, इसमें तो हो चुका है, तो अब तो जब ये रीरेंडर होगा पूरा का पूरा तो क्या होना चाहिए, क्योंकि नेम में स्मिथ है तो यहाँ पे स्मिथ प्रिंट हो जाना चाहिए। हाँ भाई, जिन लोगों को रिएक्ट पहले से आती है, क्या मैं इसको सेकंड टाइम जब क्लिक करूँगा तो ये जॉन भी स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि देखो हो तो चुका है ये, मतलब देखो नेम स्मिथ मैंने लिखा था या कॉन्सोल पे स्मिथ आ गया है, लेकिन इस दफ़ा के रीरेंडर पे वो उसको मिला नहीं स्मिथ, अगली दफ़ा रीरेंडर पे क्या वो हो जाएगा स्मिथ। हाय, सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही तुम लोगों के चेहरों पे, क्यों नहीं होगा? अच्छा समझ लो, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि अगर वो सेट लेट में नहीं लगा हुआ तो वो रीरेंडर पे अगर जो मिलेगा ना वो प्रिंट कराएगा, तो यानी रीरेंडर जब करेगा वो, बट किसी भी वजह से अगर रीरेंडर होता है कंपोनेंट तो रीरेंडर होने के वक्त उसको जो मिलेगा ना वेरिएबल में जिसमें भी वो प्रिंट करेगा, वो इसमें प्रिंट कर देगा, इसमें कर देगा, क्यों नहीं करेगा? देखो उसको गौर से और बताओ कि क्यों नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो तो चलो मैंने बता दिया कि क्यों करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ऑन रिप पे, ऑन क्लिक पे तो यार मैं, हाँ फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है ना, तो फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ, ये चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया, ठीक है। फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ कि ये फंक्शन एक दफ़ा चला, इसने ये सेट लेट कॉल किया, और इस स्टेट वेरिएबल जो चेंज हो गया, स्टेट वेरिएबल जैसे ही चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, जिसके नतीजे में स्टेट में जो नई वैल्यू थी ना वो यहाँ प्रिंट हुई है, जिसके नतीजे में वो यहाँ पे प्रिंट हुई है, सही है, जो नई वैल्यू थी री रेंडर में। दोबारा क्लिक करेंगे इसको हम, उसमें यार तो कोई प्रीवियस वैल्यू मिलेगी इस बार, तो वो सेव नहीं हो रही है हमारी स्टेट के अंदर, वैल्यू सेव हो रही है और सिंपल वेरिएबल तो हमेशा सेव नहीं हो रही है, हाँ भाई प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। सही कह रहे हैं ये सर, सर वो चेंज हो गया है वैसे भी, एक दफा जब हमने ऑन नहीं, किया स्क्रीन पे, स्क्रीन पे चेंज होगा या नहीं होगा? होना चाहिए स्क्रीन पे, नहीं होगा। इन्होंने जो की है वो बात समझ आई तुम्हें? क्यों नहीं होगा, तुम अपना बता दो, चलो अपना वर्जन बता सर, दो। मैं रिएक्ट, रिएक्ट में ये होता है कि जो भी वेरिएबल होता है ना रिएक्ट सारा अपने हाथ में कंट्रोल रखता है, वेरिएबल वाला जो भी स्क्रीन में रेंडर कराना होता है ना सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, तो वो चेंज स्टेट से ही करता है, वेरिएबल से नहीं करता। रिएक्ट को सर बताना होता है हाँ भाई, सर ये ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन लगा हुआ है, हाँ तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम पे ऑन क्लिक चलेगा बटन दबाएंगे हाँ तो क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम तो वो वैल्यू चेंज कर देगा, फंक्शन चलाएगा फंक्शन वैल्यू चेंज कर देगा, मगर जब दोबारा ऑन क्लिक करवाएंगे बकेट पेज रिफ्रेश करें तो वो जो फर्स्ट स्टेट थी वो तो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट में तो देखो मैंने सेट लेट किया है ना, फिक्स वैल्यू दी हुई है, तो वो हर दफ़ा फंक्शन चलेगा ना दूसरी दफ़ा क्लिक करने के ऊपर, हाँ तो फंक्शन दोबारा उसको उसी पोजिशन में ला के छोड़ देगा, वो वहीं पर ही चेंज कराएगा ये वाला फंक्शन। नहीं देखो ये वाले फंक्शन ने इसको स्मिथ कर दिया है, लेकिन स्क्रीन पे स्मिथ नहीं हुआ था ये, सर वो क्या ये स्क्रीन पे भी स्मिथ हो जाएगा? स्क्रीन पे नहीं स्मिथ होगा ना सर, क्यों नहीं होगा सर? इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि जब वो फंक्शन ऑन क्लिक के ऊपर चेंज होता है फर्स्ट टाइम ऑन क्लिक करा वो उसने वैल्यू चेंज कर दी ठीक है, मगर उसने स्क्रीन पे चेंज नहीं कर दो क्योंकि स्क्रीन पे चेंज करने के लिए स्टेट रिक्वायर्ड है, ठीक है दोबारा क्लिक करा तो दोबारा उसी पोजीशन में नहीं, हाँ नहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर गया शायद तुम, देखो स्क्रीन पे लाने के लिए स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, स्क्रीन पे लाने के लिए स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी समझो इस चीज़ को गौर से, कि ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मतलब उसकी टसल है कि नहीं स्टेट होगा तो मैं स्क्रीन पर डालूंगा वरना नहीं डालूंगा, इस री रेंडर के वक्त उसको जो वैल्यू मिलेगी ना चाहे वो नॉर्मल वेरिएबल हो चाहे स्टेट वो उसको प्रिंट कर देगा एज इट इज़। अच्छा देखो अब मैं एक सिचुएशन समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये फंक्शन चला, इस फंक्शन में नेम जो था वो जॉन था पहली दफ़ा में, इसने उसको कर दिया स्मिथ और सेट लेट करके इसको कर दिया इंजमाम। अच्छा क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल था तो ये फ़ौरन स्क्रीन पे दिख गया। अच्छा फ़ौरन स्क्रीन पे दिखा कैसे? ऐसे दिखा है कि ये फंक्शन चलते ही ये स्टेट री रेंडर हुई, स्टेट क्या हुई री रेंडर हुई, तो री रेंडर के वक्त इसको ये चेंज हुआ हुआ मिला तो इसने इसको स्क्रीन पे रेंडर कर दिया। पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा,
पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होता है, सही है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे नेम स्मिथ हो गया और यहाँ पे ये इंजमाम हो गया, लेकिन स्क्रीन पे मुझे सिर्फ इंजमाम दिखा, स्मिथ नहीं दिखा। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये तो पहले चेंज हुआ है ना, तो ये वेरिएबल चेंज हो चुका था, उसके बाद ये वाला हिट हुआ है। तो इसके हिट होने पे अगर कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा था तो कंपोनेंट के रीरेंडर पे तो उसको स्मिथ मिलना चाहिए था, उसको चाहिए था कि प्रिंट करे वो उसको, लेकिन उसने नहीं किया। ऐसा इस वजह से हुआ कि जब ये कंपोनेंट पूरा का पूरा रीरेंडर, ये जब हिट हुआ ना ये वाला पार्ट, तो ये कंपोनेंट पूरा का पूरा रीरेंडर हुआ है। तो क्या हुआ, ये इसका मतलब है ये लाइन दोबारा चली है, ये लाइन दोबारा चली है, इसने दोबारा उसको जॉन कर दिया और स्क्रीन पे वो जॉन प्रिंट हो गया। समझ रहे हो, आ जाओ देखते हैं क्या हुआ है। रिफ्रेश किया मैंने, जॉन प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इंजमाम जो था ना ये वाला, ये वाली बात ना रिएक्ट को पता है, इस वाली बात को ना रिएक्ट समझता है, तो इसलिए उसने बोला अच्छा ये दोबारा भी चल रहा है ना अगर, तो ये वो स्टेट समझता है वो क्या है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसमें भी मैंने इनिशियल वैल्यू मलिक दी हुई है, लेकिन इसको ये पता है कि ये इनिशियल वैल्यू है, वो चेक करेगा कि नल है तो ये डालेगा वरना नहीं डालेगा, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रीरेंडर हुआ और ये फंक्शन का डेफिनेशन भी दोबारा ज़ाहिर है बनी है, और ये पूरा का पूरा JSX भी दोबारा बना है, और यहाँ पे तो वैल्यू नहीं वाली आई है, लेकिन नेम में स्टिल जॉन आ गया। अब मैंने ये सवाल किया था कि क्या मैं दोबारा जब इसको क्लिक करूँगा तो क्या ये दोबारा क्लिक करने पे स्क्रीन पे ये चेंज हो जाएगा? कौन सी स्टेट हटा दूं, लाइन नंबर ये सेट लेट ये हटा दूं? अच्छा, मैं बताता हूँ क्या होगा, सही है, कन्फ्यूजन ख़त्म करता हूँ। जब मैं दूसरी दफ़ा इस बटन को क्लिक करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन पे जो है वो जॉन ही लिखा हुआ आएगा, स्मिथ नहीं होगा। क्यों, वो इसलिए नहीं होगा कि जब मैं दोबारा इस बटन को क्लिक करूँगा तो दोबारा क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, सही है, ये स्मिथ करेगा इसको, उसके बाद सेट लेट कॉल होगा। क्योंकि देखो, इसकी वजह से जो है ना, इस वाले की वजह से तो स्ट्रेट रीरेंडर नहीं होता कंपोनेंट ये, लेकिन जब हिट होगा ना जैसे ही ये वाली लाइन, तो स्टेट रीरेंडर होगी, ठीक है। और स्टेट सॉरी पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा, पूरा कंपोनेंट जैसे ही रीरेंडर होगा तो दोबारा ये वाली लाइन चलेगी, तो दोबारा इसको जॉन कर देगी। हालांकि स्मिथ हो चुका था वो, लेकिन इस लाइन ने दोबारा इसको जॉन कर दिया, और ये वाला तो पता है रिएक्ट को। अच्छा, अभी पहले तो इतने को वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने जो लंबी लंबी इतनी बड़ी की है वो क्या उसमें सच्चाई है। चेंज का बटन दबाया, इंजमाम हो गया। अब दोबारा दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि नीचे देखो, ये कॉन्सोल पे स्मिथ होता जा रहा है, हर क्लिक पे स्मिथ हो रहा है ये, लेकिन री रेंडर जैसे ही होता है ना, तो ये क्या करता है उसको। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, ये कंपोनेंट री रेंडर होने में ये वाली लाइन हिट होती है ना, इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ मैं, तो बाहर कर दूँ, आई मीन इसको मैं बाहर कर दूँ। अब जब जब री रेंडर होगा तो ये वाला इतना पार्ट चलेगा ना, बाहर तो नहीं चलेगा इससे, ये सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट चलेगा, अब वो स्क्रीन पे चेंज होगा। समझ आई ये वाली बात? देखो, रिफ्रेश किया मैंने, पहले ही क्लिक पे दोनों चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ कि अलग अलग बटन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि चेंज वेरिएबल, सही है, एक इसका अलग बटन, चेंज वेरिएबल का अलग बटन और चेंज स्टेट का अलग बटन, दो मैंने अलग अलग बटन बनाए और दो फंक्शन भी अलग अलग बनाऊंगा मैं। क्या हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। सही है, अब देखो मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, ये मैं स्टेट को समझाना चाह रहा हूँ, घोल के पिलाना चाह रहा हूँ।
ताकि स्टेट समझ आ गई ना तो पूरी रिएक्ट समझ आ जाएगी। स्टेट ही असल गेम है रिएक्ट की पूरी, ठीक है। चाहे वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो आगे, चाहे वो जो भी चीज़ें हो ना, वो सबका ताल्लुक असल में स्टेट से। ये स्टेट एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि रिएक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाएगा तो रिएक्ट में बाकी चीज़ें प्लेन जावास्क्रिप्ट ही है, सही है। रिएक्ट के अंदर जो बाकी चीज़ है वो प्लेन जावास्क्रिप्ट है। अब देखो, गौर से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरे पास एक अदद बना हुआ है स्टेट, जिसमें लिखा हुआ है एक इनिशियल वैल्यू। अच्छा, फिर मेरे पास क्या हुआ हुआ है, वो दोनों, अच्छा इसका वेरिएबल का नाम ज़रा बड़ा अजीब सा हुआ हुआ है, चलो खैर हो गई रहने दो, सही है। इज लिट हुआ हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो ज़रा रेलिवेंट नाम नहीं है, खैर। तो मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल बना हुआ है और एक नॉर्मल वेरिएबल बना हुआ है, सही है। अच्छा, एक फंक्शन मेरे पास है जो चेंज वार करके करता है और एक वेरिएबल को चेंज कर देता है। अच्छा, और दूसरा क्या करता है, चेंज स्टेट करता है, जो कि स्टेट के अंदर एक नई वैल्यू डाल देता है। अच्छा, जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। जब ये वाला चलेगा तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है और ये चेंज हो रहा है, सही है। असल बेसिक फ़र्क दोनों में वेरिएबल में यही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे दोनों तरह के वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया हुआ है और दो बटन बनाए हुए हैं जिनके ऊपर ये दोनों फंक्शन जो ऊपर बताए थे वो चलते हैं। अच्छा, अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अगर तो मैं चेंज स्टेट का बटन दबाता हूँ तो सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, कोई और चीज़ चेंज नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद मैं बताता हूँ चेंज वेरिएबल का बटन, ये मैं दबाऊँगा जब, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कॉन्सोल पे वो जो मैंने लगाया हुआ ना, ये कॉन्सोल पे वो चेंज हुआ हुआ दिख जाएगा मुझे, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, हालांकि वेरिएबल चेंज हो चुका होगा, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन पे जॉन ही दिख रहा है, लेकिन असल में कॉन्सोल में क्या हो चुका है, ये इसमें तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये कब दिखेगा स्क्रीन पे, जब कंपोनेंट मेरा रीरेंडर होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं चेंज स्टेट अब दबाऊंगा तो इसमें आ जाएगा स्क्रीन पे, क्यों नहीं आया, एक मिनट यार, ये कैसे हो सकता है। चेंज स्टेट किया मैंने और उसके बाद चेंज वेरिएबल किया, फिर दोबारा चेंज स्टेट किया तो नहीं हुआ। चलो पहले चेंज वेरिएबल कर देते हैं इस बार, और चेंज स्टेट करते हैं, दोनों एक साथ चेंज हुआ। ऐसा कैसे हो रहा है भाई दबे, अच्छा नहीं, स्ट्रिंग पे ये होता है कि हर दफ़ा ही री रेंडर होता है, स्ट्रिंग जो है वो वैल्यू होती है, रेफरेंस नहीं होता है स्ट्रिंग का, होना तो चाहिए इसको री रेंडर। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं हो रहा। वेल, इसको ज़रा मैं एक कॉन्सोल लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता लगे कि चेंजिंग स्टेट जो है वो चेंजिंग स्टेट का फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है कि मैंने नाम नहीं, यार सही है, सब कुछ सही है, ओके। हाँ, रिफ्रेश किया मैंने और चेंज स्टेट जितनी बार भी दबाता हूँ चलता तो ये है। वेरिएबल चेंज किया और अगेन चेंज स्टेट कर रहा हूँ तो ये री रेंडर नहीं कर रहा उसको, अगेन चेंज स्टेट कर रहा हूँ तो सम हाउ उसको री रेंडर नहीं कर रहा। वैल्यू सेम का इशू नहीं हो सकता इसमें, वैल्यू सेम वाला इशू इसमें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि मैंने यहाँ पे शायद फिक्स किया हुआ है इसको, शायद इसलिए कि मैंने फ़िक्स किया हुआ है। लेकिन अगर ये सेम स्ट्रिंग आता है ना जब दोबारा, यानी अगर मैं इसको नई वैल्यू स्ट्रिंग की असाइन करूँ तो मुझे उसमें रेफरेंस तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, जो तुम रेफरेंस समझ रहे हो ना उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वेल, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो नॉर्मल वेरिएबल है जब वो चेंज करते हैं उसको हम, तो वो चेंज हो जाता है, वो मना नहीं करता चेंज होने से, वो चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कंपोनेंट मेरा री रेंडर होता है, जब वो मुझे स्क्रीन पर दिखता है, लिहाजा इससे हमने कंक्लूड ये किया कि स्क्रीन पे दिखाने वाली कोई भी वैल्यू हम नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो बाहर मैंने बना दिया ना वेरिएबल, ये बाहर बनाना भी, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप इस नॉर्मल वेरिएबल को आप बाहर बनाएं, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल को बाहर बनाने से आपका क्या नुकसान होगा, ये हमेशा अंदर बनेगा, ये नॉर्मल वेरिएबल हमेशा अंदर बनेगा, और हमेशा अंदर जब आप बनाएंगे तो ये कभी भी स्क्रीन पर वो आएगा ही नहीं चेंज, सही है। आप ये चेंज वेरिएबल कर दें भले, ये वेरिएबल चेंज हो चुका है, लेकिन जैसे ही री रेंडर होगा तो वो दोबारा उसको इनिशियल वैल्यू पे लेकर आ जाएगा, सही है। तो आप कभी भी इस वेरिएबल को ना बाहर नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे अंदर ही। आप बाहर क्यों नहीं बनाएंगे, बाहर इसलिए नहीं बनाएंगे कि उससे हमारे फंक्शन की प्योरिटी लूज़ कर जाता है हमारा फंक्शन।
अब फंक्शन की प्योरिटी क्या चीज़ होती है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट पहले से आती है, प्योरिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है बताओ? जावास्क्रिप्ट जो है वो मेनली फंक्शनल प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे होते हैं ना, एक कम्युनिटी सारी की सारी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट भी है और जो हमने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग की है जावास्क्रिप्ट में इस क्लास में भी, वो सारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। और जो भी जावास्क्रिप्ट जिसको पहले से आती है उसने फंक्शनल ही की होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली। तो प्योरिटी ऑफ फंक्शन अगर नहीं पता ना तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फिर आपने पढ़ी नहीं है समझ लो। हाँ भाई, इन्होंने जो बोला किसी को समझ आई इनकी बात या कोई अग्री करेगा इनकी बात से? हाँ भाई, क्या ओपिनियन है बाकी लोग बताओ यार, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? व्हाट इज़ प्योर फंक्शन, प्योरिटी ऑफ फंक्शन? क्योंकि हमारा कंपोनेंट असल में एक फंक्शन है, सही है, तो वो फंक्शन वाली सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा चलो मैं समझा देता हूँ प्योर फंक्शन क्या चीज़ होती है। प्योर फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसका फंक्शन का, देखो एक होता है इनपुट एक होता है आउटपुट, राइट। इनपुट उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर उसको मिल रहे होते हैं कहीं से, समटाइम नहीं भी मिलते पैरामीटर, वो जस्ट फंक्शन चलता है और वो एक आउटपुट दे देता है, सही है। तो जो फंक्शन का आउटपुट टोटली डिपेंड करता हो उसके इनपुट के ऊपर, सही है, उसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है जिसको मैं दो वेरिएबल देता हूँ ऊपर से, और वो रिटर्न वैल्यू क्या करता है, दोनों को प्लस करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये प्योर फंक्शन कहलाएगा। प्योर फंक्शन इसलिए कहलाएगा कि ये फंक्शन जो भी आउटपुट देता है वो टोटली इसके इनपुट पर बेस कर रहा होता है। मैं इनपुट चेंज करूँगा जब ही आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज आउटपुट चेंज नहीं होगा। अगर मैं सेम इनपुट इसको जितनी दफ़ा भी दूँ ये सेम आउटपुट देगा मुझे। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्योर फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा प्योर फंक्शन के बहुत सारे फजाइल गिनवाए गए हैं और वो भी रेलेवेंट नहीं है, वो अलग से तुम कर लेना, ठीक है। लेकिन जैसे मतलब स्केलेबल होता है और वो, यानी प्रोसेसर बढ़ाओ, स्केलेबल का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर बढ़ाओगे तो साथ साथ वो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो प्योर फंक्शन के बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं। तो हम रिएक्ट के अंदर भी कोशिश करते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है ना वो क्या हो, रीयूजेबल होता है क्योंकि कंपोनेंट, ठीक है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब है कि उसको हमने प्योर रखना है। जैसे कि जो मैंने वेरिएबल बताया, जो मैंने फंक्शन बताया कि जी दो वेरिएबल देता हूँ दोनों को प्लस करके रिटर्न करता है, तो दिस इज़ अ रीयूजेबल फंक्शन ना। तो प्योरिटी का मेन ताल्लुक इससे कि वो रीयूजेबल रहता है। अच्छा अगर इसमें इमेजिन करो ये होता कि एक कोड लिखा हुआ है, उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें है इनपुट एक, एक इनपुट है, अच्छा, और जब वो फंक्शन चलता है तो उसको एक वैल्यू मिलती है और जो सेकंड वैल्यू है ना वो उसमें किसी वेरिएबल से उठाता है, ग्लोबल वेरिएबल कोई बना हुआ उससे उठाता है और उसको प्लस करके रिटर्न करता है। काम तो करेगा लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर काम करेगा, कहीं और ले जाएंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं और वो वेरिएबल नहीं मिलेगा जो बाहर उसको, जैसे यहाँ पे मैंने अगर एक वेरिएबल बनाया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जब यहाँ पे चलेगा ना ये, तब तो ये काम करेगा सही, लेकिन अब इस फंक्शन को मैं कहीं और अगर ले जाऊँ उठा के, क्योंकि ये तो रीयूजेबल बोला था मैंने, तो उसको ये वेरिएबल थोड़ी मिलेगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो जहाँ पे नेम इक्वल टू स्मिथ होगा ना वहाँ पे बोलेगा कि भाई ये तो नेम है ही नहीं, नेम नॉट डिफाइंड, इस तरह की कोई बात कर देगा उल्टी। हाँ कॉल बैक हेल, नहीं नहीं वो तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये मैं सिर्फ फंक्शन की बात समझो, अभी सिर्फ फंक्शन के तौर पे समझो इसको, इसको उससे मिक्स नहीं करो, उससे मिक्स करोगे तो ज़रा कहानी कहीं और निकल जाएगी, क्योंकि वो ज़रा प्रोमिसज हैं, वो अलग मामला है, वो कॉल बैक वॉल बैक का चक्कर है उसके अंदर, ठीक है। इसको बस ये समझो कि ये जो इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले, यानी रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं बात करना शुरू हो गया हूँ, अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग मैंने पीछे छोड़ दिया, रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस कंपोनेंट में इस्तेमाल होने वाले जितने भी वेरिएबल, चाहे वो स्टेट वेरिएबल हो चाहे वो प्लेन वेरिएबल हो, वो इसी के अंदर ही होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो रीयूजेबिलिटी का मसला हो जाएगा, प्योरिटी हर्ट होगी, तो या ना वो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इम्प्योरिटीज़ और क्या क्या होती हैं जो हमें अवॉइड करनी है, इम्प्योरिटीज़ और क्या क्या होती हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कि
कोई डेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वही अगेन मैं वापस जा रहा हूँ फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे, कि जो दो वेरिएबल मैं इनपुट लेता था दोनों को प्लस करता हूँ, साथ में मैं मल्टीप्लाई मारता हूँ अभी डेट से, इस वक्त जो डेट हो रही है, तो अभी इसका इसका भी आउटपुट क्या होगा, आज के दिन तो सेम मिलेगा लेकिन कल डेट चेंज होगी तो कल आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्योरिटी क्या हो गई, हर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से कोई इंटरनेट की कॉल करता हूँ मैं, अगर फंक्शन के दरमियान में कोई HTTP API कॉल करता हूँ और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसको भी साथ में मैं इसके प्लस मल्टीप्लाई कुछ कर देता हूँ, तो अब भी क्या होगा कि जब मैं इस फंक्शन को सेम वैल्यूज़ दे के कॉल करूँगा ना, तो जब तक तो वो API कॉल सेम वैल्यू देती रहेगी तो ये सेम चलेगा, लेकिन जैसे ही उस API कॉल की वैल्यू चेंज होगी तो मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। लिहाजा मैं इस फंक्शन के ऊपर भी इसकी प्योरिटी पर डिपेंड नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई हैं, ये क्या हो गया, ये इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह की कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जिस पे मेरा फंक्शन रिलाय कर रहा है, ठीक है, और वो हट जाए तो मेरा फंक्शन धड़ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल चीज़ पे मेरे फंक्शन को रिलाय नहीं करना है, इसकी प्योरिटी को मैंने क्या करना है, होल्ड करके रखना है। अब सवाल ये है कि क्या मैं रिएक्ट के कंपोनेंट में HTTP API कॉल नहीं करूँगा, इसका जवाब है करूँगा, लेकिन उसके लिए रिएक्ट ने ना एक मुझे कमरा बना के दिया हुआ है कि जी आपने इसके अंदर करना है ये काम, ताकि रिएक्ट को पता हो कि ये क्या हो रहा है, रिएक्ट को पता हो कि ये क्या हो रहा है, तो उसको वो यानी प्योर फंक्शन को अलग करेगा और उसको वो अलग तरीके से हैंडल करता है। अंदर उन्होंने इस चीज़ों को मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है, मुझे अलग एक छोटा सा ना वो बना के दिया हुआ है, उसके अंदर यूज़ होगा वो, ठीक है। अच्छा तो वेल हम क्या कर रहे थे, अब आई होप कि ये ना नॉर्मल वेरिएबल को हम हटा देते हैं यहाँ से, नॉर्मल वेरिएबल की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ स्टेट वेरिएबल के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी बताता चलूँ मैं कि अगर जैसे मैं इज़ लिट है ना, इज़ लिट है जो, अगर मैं इसको ऐसे करके चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इज़ लिट इक्वल्स टू ऐसे 5 कर दूँगा, तो ये वेरिएबल भी कॉन्सोल में जब मैं प्रिंट कराऊँगा ना ये चेंज हुआ हुआ होगा इज़ लिट, लेकिन वो री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे मैं चेंज करूँगा और कॉन्सोल पे देखूँगा ना कि इज़ लिट में इस वक्त क्या वैल्यू है, तो मुझे 5 मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि वो री रेंडर नहीं होगा ना, तो इसलिए मुझे स्क्रीन पे ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अच्छा इस तरह का भी करना भी नहीं है ना, ठीक है, जस्ट मैं इनकेस एक बात बता रहा हूँ कि जो मैंने कहा था ना रीड ऑनली है, तो वो ऐसे करके वो चेंज भी हो जाएगा, रीड ऑनली वो उस सेंस में नहीं है, इस सेंस में कि वो री रेंडर नहीं करता। अच्छा तो मैंने जस्ट क्या कर दिया, अब मैं इज़ लिट वाले पे वापस आ जाता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इज़ लिट जब मैं बटन दबाऊँ तो ये क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। स्क्रीन पे कोई भी चीज़ बगैर स्टेट के चेंज नहीं होगी। अच्छा इस कंपोनेंट को री रेंडर कराने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट की वजह से री रेंडर होता है, कंपोनेंट को री रेंडर कराने के और भी तरीके हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई एक तरीका शायद हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो सारे तरीके भी ना कहीं स्टेट के साथ ही कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार स्टेट चेंज हो ना तो फला फला काम कर देना, और फला फला काम करते ही फिर स्टेट को रीरेंडर कर देना, तो इस तरह की हम चीज़ें और भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेट से उसका कनेक्शन है, तो हमेशा हम स्टेट को इस्तेमाल करेंगे इसको रीरेंडर कराने के लिए। अच्छा हमारा मकसद तो रीरेंडर कराना भी नहीं है, हमारा मकसद तो ये कि वैल्यू हमें सीधी सीधी स्क्रीन पर दिखे जैसी हमने डिस्प्ले कराई है, और रियल टाइम में वो चेंज हो वैल्यू, सही है। हमारा तो मकसद ये रीरेंडर वो करे आप जैसे मर्जी उसको कर दे वो, लेकिन ये इंटरनल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है कि वो असल में मुझे दिख रहा कैसे होता है। अच्छा तो मैंने क्या किया, अब मैं सिंपल आ गया वापस अपने जो एक्चुअल जो एग्जांपल बनवा रहा था ये रिएक्ट की आर्टिकल में, कि जी इज़ लिट और इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है ऑन, ठीक है, और बटन दबाने पे क्या हो जाए ये ऑफ हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे भी जो नेम इसको रेंडर किया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, चेंज स्टेट का बटन दबाऊँगा मैं और यहाँ पर मुझे ऑन की जगह ऑफ दिखने लग जाएगा। रिफ़्रेश किया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, बटन दबाया ऑफ हो गया, सही है। दोबारा बटन दबाऊंगा तो वो क्योंकि फंक्शन में मैंने ऑफ़ ही सेट किया हुआ है तो वो ऑफ़ ही सेट होता रहेगा दोबारा, सही है, तो मुझे वो अगेन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। आ जाओ अब, ये इतनी बात सबको समझ आ गई आई होप। अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने देखो यही बात की है, एक स्टेट वेरिएबल बनाया और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। आ जाओ आगे, अब इसको ना अब ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है कि असल में हुआ क्या। ब्रेक डाउन असल में ये कैसे कर रहा है, इसको कह रहा है कि यार जब आप करते हो ना रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करते हो जब, तो ये असल में आपको देता है एक एरे, वो जो दो मैं पकड़ रहा हूँ ना उसके अंदर, वो असल में आपको देता है एक अदद एरे, वो
स्टेट के अंदर जो कि आके सेव हो जाती है, इसके दो इंडेक्सेस होते हैं। अच्छा, इसका जो जीरो इंडेक्स होता है ना वो रीड के लिए होता है, और जो वन इंडेक्स होता है वो राइट के लिए होता है। तो मैं इसको असल में डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, एरे को डीस्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि एरे डीस्ट्रक्चर के जीरो इंडेक्स को मैं इस लिट में लेना है और वन को मैंने सेट लिट में लेना है। तो मैं इसको कैसे कर लेता हूँ, मैं इसको ये इस तरह से कर लेता हूँ, सही है, ऐसे ही मैंने डीस्ट्रक्चर किया हुआ असल में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये कह रहा है कि यार ये जो आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करते हो ना, ये रिएक्ट डॉट यूज स्टेट जो आप करते हो, ये यूज स्टेट को डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, डी स्ट्रक्चर करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया और मैंने कहा कि यार यहाँ पे से ना यूज स्टेट को यहाँ से डी स्ट्रक्चर करके डायरेक्ट उठा लो, तो अब मैं डायरेक्ट इसको यूज स्टेट करके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं रिएक्ट और यूज स्टेट को अलग अलग लाइनों में भी कर सकता था, लेकिन मैंने सेम लाइन में कर दिया, फिलहाल एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने देखो ये काम कर दिया, इन्होंने कहा यार यूज स्टेट को डायरेक्ट भी हम उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको डीस्ट्रक्चर करके ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पूरी इसने कहानी समझाई है, वही जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझा दी कि हाउ यूज स्टेट वर्क्स, सही है। ये आप लोगों ने होपफुली पढ़ लिया होगा, जब भी मैंने आप पे भरोसा करते हुए आपको आगे की बात समझाई है, सही है। अदरवाइज़ क्या होता है, यहाँ पे हम आते हैं इसको रीड करते एक एक करके और इतने को करते फिर इससे आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छा, रेंडर बेस्ड ऑन स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसने एक काम दूसरा किया, थोड़ा सा मुख्तलिफ काम अब मजीद किया है, कि पहले तो जस्ट ये होता था कि मेरे पास वेरिएबल में ऑन लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, वेरिएबल में ऑन लिखा हुआ था जस्ट, और मैं बटन के क्लिक पे इसको स्ट्रिंग वाला ऑफ करवा देता था। लेकिन अब की बार ये कह रहा है कि नहीं जी, आप इसको क्या करोगे, आप ट्रू करोगे ऐसे ना, ट्रू, और यहाँ पे करने पे आप क्या कर दोगे, इसको फॉल्स कर दोगे, ठीक है, फॉल्स हो गया ये। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ये इज लिट को डायरेक्ट में स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट करवाता था ना, इसने कहा नहीं यार यहाँ पे आप क्या करोगे, आप टर्नरी ऑपरेटर लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में अगर तो ये ट्रू है तो यहाँ पे आप लिखाओगे कि ऑन, सही है, और ऑफ, अब ये इतना पार्ट जो है ना मेरा, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर ऑलवेज इवेल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू। तो ये जो जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये खुद गायब हो जाएगा चलते वक्त रन टाइम पे, ये खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह या तो स्ट्रिंग में ऑन या तो स्ट्रिंग में ऑफ लिखा हुआ जाएगा, ठीक है, और जब वो लिखा हुआ जाएगा तो वो ओवरऑल पूरा जो रेंडर होगा ना, तो ये उसको इवेल्यूएट करके फिर रेंडर करेगा। अच्छा, ये हो गया जी, और बटन के क्लिक के ऊपर जब ये होगा सेट लिट फॉल्स होगा जब, तो ये फिर दोबारा री रेंडर होगा और ये दोबारा से कंडीशन पूरी चलेगी, तो लिहाजा फिर वो ऑफ लिखा हुआ जाएगा। आ जाओ देखते हैं, ऑन है, क्लिक किया तो ऑफ हो गया, बिहेवियर सारा वही है, लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है, अब मैं वो स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अच्छा, क्या फ़र्क होता अगर मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जगह स्ट्रिंग लगा देता, तो कुछ तो होता, हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फॉल्स कर रहे हैं ना, ये अगेन अगेन इसको फॉल्स ही करते जा रहे हैं ना, अब ट्रू नहीं कर रहे मजीद हम, बस ये ऑन ऑन था ना रिफ्रेश के ऊपर, ये पहली दफ़ा में ऑन था ये, अब जब इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑफ रहेगा, फिलहाल जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके मुताबिक, हाँ सही है। अभी इतना समझ आ गया सब लोगों को कि जी अब वो क्या कर रहा है, टर्नरी ऑपरेटर से उसको कंडीशनली उसको रेंडर कर रहा है। अच्छा, अब एक ही बटन के क्लिक पे मुझे, मैंने ऑन को ऑफ तो करा दिया, लेकिन अब मुझे दोबारा भी ऑन कराना है उसको, ठीक है, तो मैं एक बटन और यहाँ पर बना सकता हूँ, जिसका मैं नाम क्या रख दूँ, एक का नाम मैं रख दूँ टर्न ऑन, सही है, और दूसरे का नाम रख दूँ मैं टर्न ऑफ, और दोनों पे मैं अलग अलग फंक्शन बना दूँ, एक में मैं बोलूँ कि इसको फॉल्स कराओ, एक में बोलूँ इसको ट्रू कराओ, तो ऑन का बटन अलग और ऑफ का बटन अलग होगा, ठीक है। लेकिन चलो मैं ऑन ऑफ का बटन अलग अलग नहीं करता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक ही फंक्शन के अंदर इसको मैं आके बजाय यहाँ पे फॉल्स बोलने के ना, क्या बोल देता हूँ, हाँ, जो भी इज लिट में इस वक्त वैल्यू है, सही है, जो भी इज लिट में वैल्यू है इसमें नॉट लगा दो। तो इज लिट में अगर बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू था, तो ये नॉट लगने के बाद ये फॉल्स कंसिडर करेगा, और जब फॉल्स होगा तो उसको ट्रू करेगा, तो एक ही बटन के क्लिक पे वो टॉगल हो रहा होगा एक्चुअली। आ जाओ देख लेते हैं,
रिफ़्रेश किया मैंने और ये अब ऑन ऑफ करेगा उसको, एक ही बटन के क्लिक पे ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एक चीज़ थी कि वो बूलियन था तो उसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार अगर मैं बूलियन नहीं बनाता, मैं स्ट्रिंग बना लेता, उस पर भी ये काम तो कर सकता था। मैं इफ़ लगा देता यहाँ पे, मैं इफ़ लगाता इफ़ वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स स्ट्रिंग में ऑन तो ऑफ़ कर दो, और अगर ऑफ है तो ऑन कर दो, कर तो मैं सकता था ये काम जब भी। तो मैं हाँ इफ़ लगाना पड़ता है, ज़रा दो लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन दैट्स नॉट द रियल रीज़न कि मैंने बूलियन को प्रेफर किया। व्हाट इज़ द रियल रीज़न? नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हाँ नहीं, अगर मिसाल के तौर पर नंबर होता कोई तो नंबर पे भी मैं इफ एल्स लगा सकता था। मतलब ये साहब देखो, जहाँ पे तो नंबर की ज़रूरत है वहाँ पे तो फिर मुझे नंबर ही यूज़ करना है, जहाँ पे स्ट्रिंग की ज़रूरत है वहाँ पे तो मुझे स्ट्रिंग ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन था कि यार मैं स्ट्रिंग और बूलियन दोनों को यूटिलाइज़ कर सकता था, तो मैंने स्ट्रिंग को छोड़ के बूलियन को प्रेफर किया। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में कितना लेता है, स्ट्रिंग का वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है? सिक्सटी फोर बिट क्या? और नंबर का वेरिएबल कितना लेता है? एट, यानी कि 64 बिट। और स्ट्रिंग भी 64 बिट, नंबर भी 64 बिट। हाँ, सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही चेहरे में, बस ये मेरा प्रॉब्लम है। बात तो तुम लोगों ने सही की है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है चेहरे में। सही है, नंबर का वेरिएबल 64 बिट लेता है, एक वेरिएबल बनाता हूँ तो 64 बिट मेमोरी में जगह कंज्यूम कर लेता है वो। ठीक है, और बूलियन जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो 2 बाइट लेता है। सही है, 2 बाइट यानी कि 8 और 8 16 बिट। ठीक है, UTF-16 का इसमें इनकोडिंग इस्तेमाल होती है डिफ़ॉल्ट, तो 16 बिट लेता है पर कैरेक्टर। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि 16 बिट क्या, 16 बिट पर कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी लंबी स्ट्रिंग ले दो तो जो जितने कैरेक्टर होंगे तो उसको 16 बिट से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 बाइट से 2 बाइट या 16 बिट एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा है ना यहाँ पे के ऑन, तो ये लेगा 2 और 2 4 बिट 4 बाइट, और ऑफ लिखा है तो वो लेगा 6 बाइट। और बूलियन जो है वो लेता है 1 बिट लेता है। ठीक है, बाइट भी नहीं लेता, 1 बिट लेता है, तो ये मेमोरी कंजम्पशन इसकी बहुत कम है। ठीक है, बूलियन की तो इस दैट्स द रियल रीज़न। ठीक है, अच्छा ये वाली बात यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए थे टाइम ज़रा शॉर्ट होने की वजह से। ये जो ये वाला जो टॉपिक था, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जब फंक्शन वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसके दरमियान कहीं ना कहीं ये मैं इसको डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि भाई जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल हैं वो रैम के अंदर सेव कैसे होते हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस, या किसी भी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स, हमने सुना है ना कंप्यूटर में वेरिएबल्स जो है रैम में सेव हो रहे होते हैं, या जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो सब रैम में होता है, तो वो कैसे सेव होता है और कौन सा वेरिएबल रैम में कितनी जगह लेता है और क्यों। ठीक है, अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो बैच 8 में और बैच 9 में दोनों में मैंने ये बात डिस्कस की, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ज़रा उसमें जावास्क्रिप्ट ना डिटेल में हम कवर करते हैं, टाइम भी उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ टाइम ज़रा शॉर्ट है हमारे पास ना। तो आप जाके YouTube पे लिखेंगे ना, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वेरिएबल आर सेव्ड इन मेमोरी, ऐसे करके आप लिखेंगे, और साथ में शायद मेरा नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस अभी मैं नहीं हूँ कि ज़रा टॉप पे आ जाए, तो आपको वीडियो ना नज़र आ जाएगी कि वो जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि वो रैम में इन द फर्स्ट प्लेस वेरिएबल सेव होते ही कैसे हैं। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट होके और वो सब करके मैंने बताया। अच्छा, तो यहाँ तक की हमने बात कवर कर ली कि जी हमने क्या कर लिया, एक स्टेट बना लिया चुन्ना मुन्ना सा, और उस स्टेट को बटन पे क्लिक करवा के उसको चेंज करवा दिया। ठीक है, ना सिर्फ चेंज करवाया बल्कि टॉगल करवा लिया, इसको हम कहते हैं टॉगल, कि वो क्लिक पे ऑन क्लिक पे ही ऑफ जब हो रहा है ना, इस तरह की चीज़ को हम टॉगल कहते हैं। आ जाते हैं अब आर्टिकल में, मज़ीद आगे क्या बात की है इसने। अच्छा,
ठीक है। हाँ ये इसमें यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया ना। हाँ नहीं यहाँ तक का वही कह रही, यहाँ तक का काम हमने कर लिया अपने कोड में, अब आगे हमने क्या करना है। अच्छा अब यहाँ पे ना इसने एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की है, एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही है, इसको मैं समझा रहा हूँ और इसको देखो भूलना नहीं। देखो अभी चक्कर क्या हुआ है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है मैंने, सही है, कॉल नहीं किया उसको, कॉल सिग्नेचर नहीं लगाया मैंने, जस्ट उस फंक्शन का मैंने नाम लिखा है। अच्छा ये मैंने नाम जो लिखा है ना, ये मैं इस वजह से लिखा है, देखो अगेन बता रहा हूँ ना, HTML से बिल्कुल डिफरेंट है ये, HTML में इस तरह नहीं होगा। तो ये प्रॉप है इसका, और बटन का जो प्रॉप है ऑन क्लिक, इसकी जो एक्सप्लेनेशन रिएक्ट वालों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताई है वो यही बताई है कि आपने क्या करना है, इसका जस्ट नाम लिख के आपने भेज देना है, इसको कॉल सिग्नेचर नहीं आपने लगाना, ठीक है। जब इस पर क्लिक होगा तो रिएक्ट को पता लगेगा कि कब क्लिक हुआ है, और रिएक्ट इस फंक्शन को उस क्लिक के टाइम पे चला देगा। अच्छा तो मैंने यहाँ पे इसको ना इधर बना दिया फंक्शन और इधर उसका नाम लिख दिया है, क्या मैं ये कर सकता था कि मैं यहीं पे फंक्शन लिख देता, यस ये हो सकता था, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहीं पे एक फंक्शन ऐसे ही बना दूंगा। ये मैंने क्या किया, जो मैं फंक्शन का नाम लिखता था ना, फंक्शन का नाम लिखने की सूरत में पूरा फंक्शन रिटर्न होता है, तो पूरा फंक्शन ही है मैंने यहाँ पे बना दिया, सही है। अच्छा और ये सेट लिट को मैंने उठा के कट करके जो उस फंक्शन में कराता था वो मैंने यहाँ करा दिया, ठीक है, और इस फंक्शन को अब मैं हटा सकता हूँ, मेरा कोड ज़रा इससे क्या हो गया, क्लीन हो गया। लेकिन ऐसा वाला काम ना मैं सिर्फ उस जगह पे कर पाऊँगा जहाँ पे मेरा कोड बहुत ही शॉर्ट है, सही है, मतलब इस ऑन क्लिक के ऊपर अगर मैं 10 लाइन का कोड लिख रहा हूँ ना, तो फिर अलग फंक्शन बनाना ज़रा बेहतर है, फिर कोड क्लीन नहीं रहता फिर, ठीक है। अगर 10 लाइन का मैंने फंक्शन बना दिया और ऐसे इन लाइन उसको मैंने लिख दिया, तो फिर फंक्शन जो है ना वो नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर फिर आपने जो काम कराना है वो आप करा देंगे। तो हमने क्या देखा कि बटन के क्लिक के ऊपर हमेशा एक फंक्शन ही कॉल होगा, दो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज हम इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ ही चल रहा है अभी। अच्छा स्टिल बेटर यही है कि आप फंक्शन अलग से बनाएं, इन लाइन को आप अवॉइड करें, अगर एक लाइन का भी है ना तो इन लाइन को फिर भी अवॉइड करें। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे इसने ये बताई है कि अगर आप क्या कर देंगे, गलती से आपने फंक्शन का नाम लिखा और आपने कॉल सिग्नेचर लगा दिया साथ, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइटली वो चलना शुरू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा थोड़ी देर पहले वो इनफाइनाइट रेंडर हमारा हुआ था एक दफ़ा, थोड़ी देर पहले ना इनफाइनाइट रेंडर हुआ था। अच्छा तो वो होगा क्या, वो होगा ये कि वो फंक्शन पूरा का पूरा कॉल होगा, और उस फंक्शन के कॉल होने की वजह से वो समहाउ री रेंडर होता है। तो हमारे पास जो हुआ था ना चक्कर, हमारे पास ये हुआ था कि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से इसको कट करके और इसको यहाँ लगा दिया था, ये किया था ना मैंने। अच्छा इससे इनफाइनाइट रेंडर कैसे हुआ था, समझ लो इसको अच्छे से, कंपोनेंट पहली दफ़ा रेंडर होता है, जाहिर है पहली दफ़ा रेंडर हुआ, ये लाइन चली स्टेट बना, ये लाइन चली इसने स्टेट को चेंज कर दिया, और इसके चेंज होते ही अब वो आगे का स्टेट भी रेंडर हुआ होगा, लेकिन इसके चेंज होते ही एक इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई कि इसको री रेंडर मारो, वो फिर री रेंडर हुआ, फिर ये लाइन चली और फिर इसको चेंज कर दिया गया और फिर ये रीरेंडर हो गया। अब ये एक इनफाइनाइट साइकिल है, ये रुकेगा नहीं कभी भी। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना एरर आ गया था, क्या आ गया था कि हमारा इनफाइनाइट रेंडर का एक एरर आ गया था। तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से भी ना, अगर आपने फंक्शन में कॉल सिग्नेचर लगा दिया तो ऐसा करने से भी क्या होगा, कुछ इस तरह की जो है ना क्या कहते हैं वो हो जाएगा, इस तरह की कुछ इनकन्वीनियंस का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ भैया आगे। अब यहाँ पे इसने जो है ना बोला कि यार योर टर्न वाला कहाँ चला गया, हाँ इसने बोला यार ये बना लिया हमने CSS पूरा, और बटन के क्लिक के ऊपर ना ये CSS कराते हैं, आ जाओ ये हम भी लगा लेते हैं CSS, CSS की फाइल तो बनी हुई है हमारे पास, ये CSS की फ़ाइल हमने क्या कर दी, अटैच कर दी, और
इसने क्या किया, HTML बॉडी रूट और मेन इन सब के ऊपर ना हाइट 100% अप्लाई की है और मार्जिन इसका ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि बॉडी पे ना थोड़ा सा दो चार पिक्सल का मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, फिर जो लिट जिस पे लगा हुआ है उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, और जिस पे डार्क लगा हुआ है उसका जो है सॉरी जिस पे लिट लगा हुआ है उसका बैकग्राउंड वाइट है, और जिस पे डार्क लगा हुआ है उसका बैकग्राउंड ब्लैक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डार्क और लिट यहाँ लाके लगा देता हूँ। क्लास नेम के अंदर आके मैं अब या तो ऐसे मैं डार्क लिखूंगा या तो मैं लिट लिखूंगा, है ना, यहाँ से ऐसे। अब इतने पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल भी बना सकता हूँ। ठीक है, कंडीशनल मैं कैसे बनाऊँगा इसको, इसको मैं ऐसे करूँगा। अच्छा, ऐसे करके अब मैंने क्या करना है, जैसा कि हमने शुरू में देख लिया था कि मैं इसको ऐसे करके स्ट्रिंग दूँ या डायरेक्ट इक्वल टू करके स्ट्रिंग दे दूँ, समझ लेता है दोनों को ये। तो असल में मुझे अब इस तरह करके इसको स्ट्रिंग देना है। अब देखते हैं ये डार्क होता है कि नहीं होता, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपली इसको डार्क अप्लाई किया है। ठीक है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये डार्क हो गया। ठीक है, आज कुछ पार्ट डार्क हुआ है इसका। अब वो इट डजेंट मैटर कि आप पूरी स्क्रीन कराना चाहते हैं तो आप ज़रा क्लास में वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो पूरी स्क्रीन चेंज हो गई। सही है, ये हो गया। अच्छा नहीं, 100% के अलावा भी मैं काम कर सकता हूँ, 100% के अलावा भी एक काम कर सकता हूँ। इसमें सेलेक्ट नहीं, VH के अलावा भी मैं काम कर सकता हूँ। मैं इसके ज़रिए मैं बॉडी का कलर भी चेंज करा सकता हूँ, पता है ना आप सब लोगों को ये। एक डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है और एक CSS के अंदर सेलेक्टर्स होते हैं ना, CSS पढ़ी है ना। एक तो डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है कि नीचे जितने सब पे लगा दो, और एक और कौन सा होता है, सिबलिंग नहीं होता है भाई, एक सेलेक्टर ऐसा भी होता है जिससे आप ऊपर वाले को सेलेक्ट मारते हो, तो वो वाला भी 12 इसमें मैं लगा सकता हूँ ना। सही है, वेल अभी फिलहाल उसको हम उस कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर ज़रा इसको ऐसे ही चलाते हैं। तो डार्क हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना, तो डार्क अप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतने पार्ट को ऐसे मैं हटा के और यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। सही है, डार्क सही है, सही है। इज़ लेट, अच्छा पहले वाले में लेट होगा एक्चुअली। इज़ लेट अगर है तो लेट कर दो मैं, अदरवाइज सही है। लेट का एल स्मॉल था। तो अब जो ये इतना पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये मेरा कोड रन होगा तो इतना पार्ट खुद हट जाएगा, इसकी जगह पे एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, या तो लेट या तो डार्क, और जो आएगी वो वाले क्लास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। रिफ्रेश किया, अभी ऑन है तो लेट है, चेंज किया तो ये डार्क हो गया, दोबारा चेंज किया तो ये लेट हो गया। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेटफुल कंपोनेंट हो गया। अब मेरे कंपोनेंट की खुद की कोई स्टेट है, ठीक है, खुद कोई ना कोई वो वेरिएबल को स्टोर करता है, खुद कोई ना कोई चीज़ वो कैरी करता है अपने पास। अच्छा, तो ये इन्होंने यहाँ पे करके बताया, आई होप कि आपने ये करके देख लिया होगा, मैंने इसको अगेन करके दिखा दिया। अच्छा, एक रूम का भी क्लास इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ इन्होंने एक रूम का भी तो क्लास बनाया हुआ ना, डॉट रूम, इससे हाइट वाइट की 100% करता है, तो हम इस पर रूम भी लगा देंगे। अच्छा, अब ये रूम कैसे लगाएंगे, ये तो ये टर्नरी ऑपरेटर पूरा हो गया। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको क्या करूँ, दोनों में अलग अलग रूम का जिक्र कर दूँ, रूम स्पेस लिट और रूम स्पेस डार्क, ताकि जब ये है ना तो दोनों, क्योंकि स्पेस सेपरेटेड होता है ना, क्लास जब हम अप्लाई करते हैं तो स्पेस सेपरेटेड होता है, तो अगर ट्रू हो तो ये वाला अप्लाई हो जाए और फॉल्स हो तो ये पूरा अप्लाई हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं बैकटिक करके ना एक स्ट्रिंग टेम्पलेट बना लूँ। चलो पहले तो इसको ऐसे करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अप्लाई हो गया उसके ऊपर, क्योंकि दोनों अप्लाई होगी, लाइट में भी दोनों अप्लाई होगी और डार्क में भी दोनों अप्लाई होगी, रूम स्पेस लिट अप्लाई होगा हमेशा। ठीक है, तो स्पेस सेपरेटेड हम क्लास नेम के अंदर दे रहे होते हैं, जो भी दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या होगा एग्जैक्टली अगर इसको मैं तुम्हें डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ मज़ीद, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये होगा। सही है, तो रूम भी अप्लाई हो जाएगा और लिट भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा तरीका इसके करने का ये हो सकता था कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरे को कट करता हूँ और बैकटिक लगाता हूँ यहाँ, और बैकटिक के अंदर रूम को मैं एज इट इज़ लिख दूँ, और उसके अंदर मैं ऐसे टेम्पलेटिंग लगा के ना फिर
फिर मैं इसके अंदर जो है ना वो लिख टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ, ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों करना जो है वो सही है। ज़रा इस वाले में मुझे मज़ीद मिसाल के तौर पे अभी तो दो ही क्लास है ना, अगर तीन चार या छः क्लासेस हों और उसमें से एक या एक से ज़्यादा जो है वो कंडीशनल हो, तो फिर मुझे ज़रा शायद ये वाला तरीका ज़्यादा सूट करता है बजाय इसके कि मैं स्पेस सेपरेटेड वहाँ पे ना हार्ड कोडेड लिख दूँ। सही है, तो अब क्या होगा, अब जो कि इतना पार्ट है ये इवेल्यूएट होगा सिंगल वैल्यू के ऊपर। अच्छा जी, ये हमने देख लिया, रिफ्रेश, ये चलना शुरू हो गया, ठीक है, बिल्कुल आ जाओ अब आगे, अब क्या है इसमें, योर टर्न। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या बात की है, इसने कहा कि यार ऐड मोर बटन ऑन एंड ऑफ, टर्न द लाइट इधर ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन विच बटन इज क्लिक्ड और वायरिंग अप ऑन क्लिक। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, बटन के ऊपर भी जो लिखा हुआ है ना ऑन ऑफ, अभी तो यार बटन पे क्या लिखा हुआ है, चेंज स्टेट, ये लिखा हुआ है ना, तो बटन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो बटन क्लिक करने से ऑन होगा या ऑफ होगा, अभी इस पे लिखा होना चाहिए टर्न ऑफ, टर्न ऑफ लिखा होना चाहिए अभी, सही है, और जब मैं क्लिक कर दूं ऑफ हो जाए तो टर्न ऑन लिखा होना चाहिए। अब ये काम कैसे करूंगा मैं, अब देखो ये मेरा बटन है, बटन को मैंने ना तीन लाइनों में कर दिया, अब ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने क्या करना है, कंडीशनल बनाना है, तो इसको कंडीशनल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं टर्न यहाँ पे हाथ से लिख दूंगा, ठीक है, टर्न, और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, या तो मुझे ऑन चाहिए या तो मुझे ऑफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लगा दूंगा, सही लगा रहा हूँ, सही है, तो मुझे इतने पार्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले बोलना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट है, ऐसे नहीं इसको पता लगेगा वरना, और जो इज लिट का मेरा स्टेट है डिपेंडिंग ऑन के स्टेट अगर इस वक्त ट्रू है तो टर्न ऑफ लिखा हुआ है, अदरवाइज हाँ अगर स्टेट इस वक्त ट्रू है इसका मतलब ऑन है ना, तो यहाँ पे दिखाना है मुझे टर्न ऑफ, हाँ तो ये अब सेट हो गया। अच्छा ठीक है, अभी ऑन है तो ये लिखा हुआ है टर्न ऑफ और अब लिखा हुआ है टर्न ऑन, ये सब लोगों को समझ आई ये बात। अच्छा और इसमें अब क्या है आगे, भाई चलते जाओ ज़रा, मैं कोशिश है कि चलो ये वाला पार्ट नेक्स्ट कवर करेंगे, वैसे तो ये योर टर्न है, ये आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन कर लिया, गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है, और उसके बाद है फैच डेटा। अच्छा ये वाला जो छोटा सा काम है ना, इसके अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट कवर करूँगा, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ज़रा हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले बात को जब मैं कवर करूँ ना तो मुझे ज़रा टाइम मिले 10-15 मिनट इस पर बात करने के लिए, तो ये इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही कवर करूँगा।